हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभिषेक टेस्ट गार्डन। टेस्ट गार्डनिंग की एक और वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो हमने विंटर में फ्लावरिंग सीड्स लगाए थे, जो कि मैंने मीशो से फ्लावर सीड्स परचेस किया था, जिसका वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी दिया हुआ है किस प्रकार आप विंटर में फ्लावरिंग सीड्स लगा सकते हैं। आप चाहें तो नर्सरी से विंटर में जो फ्लावरिंग प्लांट आते हैं उसके सेपलिंग या प्लांट्स भी परचेस करके ला सकते हैं, और इस समय पे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग वाले प्लांट हमको नर्सरियों में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी के जो सीड्स हैं मैंने मीशो से परचेस किए थे, और जो 25 प्लांट फ्लावरिंग प्लांट के सीड्स मैंने परचेस किए थे, जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी का अपडेट देने के लिए आज का ये वीडियो होने वाला है कि किस प्रकार हमारे जो सीड्स हैं, देखिए आप, जर्मिनेट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए जो हमारे जो सीड्स थे, जो कि हमने लगाए थे, वो 3 से 4 दिन में ही काफ़ी अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो गए थे। और ये हमारे सैपलिंग जो हैं, जो सीड्स हमारे लगाए हुए हैं, उनका जो आज 10 दिन हो गए हैं, करीब 10 से 11 दिन हो गए हैं, और उनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हो रखी है। और ये देखिए, ये हमारे जो सनफ्लावर के सीड्स हैं, इसकी ग्रोथ कितनी काफ़ी अच्छी हो रखी है। ये देखिए, सनफ्लावर के सीड्स हैं ये हमारे, और ये हमारे डहेलिया के सीड्स हैं। तो देखिए, ये डहेलिया के सीड्स हमारे, ये भी कितनी अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो गए हैं। और डहेलिया के फ्लावर आपने देखे ही होंगे कितने बढ़िया होते हैं दिखने में, काफ़ी बड़ा फ्लावर होता है डहेलिया में। और ये लूपिन के सीड्स हैं हमारे, और ये हमारा ऑर्नामेंटल जो कि होता है उसके सीड्स हैं फ्रेंड्स। और ये हमारे जीनिया हैं देखिए, और ये बारबेरिना, और ये गुलदाउदी क्रिसेंथेमम, और ये मेरीगोल्ड गेंदे का है, मेरीगोल्ड का है, और ये हमारा कैलेडोनला का है, और ये डेंथस के सीड्स हैं देखिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये आइस प्लांट के सीड्स हैं, और ये देखिए यहाँ पे ये बालसम के सीड्स भी हमारे अच्छे जर्मिनेट हो गए हैं, और ये हमारा पेंसी के सीड्स हैं, और ये हमारा केलोसिया है, और ये भी और भी सीड्स हैं हमारे देखिए फ्रेंड्स, ये भी जर्मिनेट हो गए हैं। और ये देखिए, डेजी के भी सीड्स हमारे जर्मिनेट हो गए हैं। कुछ सीड्स हमारे थोड़े दिन बाद जर्मिनेट हुए, लेकिन कुछ सीड्स तो हमारे 3 से 4 दिन में ही जर्मिनेट हो गए थे फ्रेंड्स। तो देखिए, हमारे जो सभी सीड्स हैं अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो चुके हैं। कुछ 1 से 2 प्लांट के सीड्स हैं वो अभी भी जर्मिनेट नहीं हुए हैं, तो उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। हो सकता है उनके जो सीड्स हैं उनकी क्वालिटी वगैरह अच्छी ना रही हो, या वो सीड्स ज़्यादा पुराने हों इसलिए जर्मिनेट ना हुआ हो। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप भी अभी ठंड में अच्छे अच्छे फ्लावरिंग विंटर फ्लावरिंग सीड्स या पौधे लगा सकते हैं, जो कि आपके गार्डन में काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग देते हैं और काफ़ी अच्छा आपके गार्डन को लुक देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।